हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू द मैथ्स क्लास वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपसे कहा गया ट्रू और फॉल्स बताइए। अब देखिए, जनरली ट्रू और फॉल्स कैसे बच्चे करते हैं, जनरली ट्रू और फॉल्स करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में से इसके आंसर देख लेते हैं और आंसर को याद कर लेते हैं कि इसका आंसर ट्रू था, इसका फॉल्स था। मैं आपको वो मेथड नहीं बताने जा रहा हूँ जो लर्निंग का मेथड है। हर ये मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन एक लॉजिक पर बेस है और वही लॉजिक आपको समझना है, वही लॉजिक लगाना है। तो उस लॉजिक से आप याद रखेंगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि कौन सा पार्ट ट्रू है कौन सा फॉल्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि इस बार आपके 10 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में ही आएंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट, आपको दिया हुआ है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन की वीडियो भेजी थी तो उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली बताया था कि जब हम किसी क्यूब करते हैं किसी ऑड नंबर का तो उसका रिजल्ट ऑड ही आता है, और जब हम किसी इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका क्यूब इवन ही आता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाता है, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया है कि किसी भी इवन नंबर का क्यूब इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। तो यहां पर आपसे कहा गया था ऑड नंबर का क्यूब इवन है तो ये फॉल्स हो गया, सिंपल सी बात। इसमें सेकंड पार्ट में दिया हुआ है परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद टू जीरोस, ये बिल्कुल ट्रू क्वेश्चन है, यहां पर आप इसमें ट्रू लगा दीजिए। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ट्रू क्यों है, क्योंकि यहां पर कोई भी क्यूब होता है, कोई भी क्यूब नंबर होता है, वो कभी भी टू जीरो पर एंड नहीं होता। आप एग्जाम्पल लेकर के समझ जाइए, एग्जाम्पल मेरे पास है 10 का, मैं 10 का क्यूब करता हूं तो 10 का क्यूब का मतलब होता है 10 का मल्टीप्लाई मैं 3 टाइम्स कर रहा हूं, 10 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जब 1 1 जब 1, और इसमें 0 कितनी आ रही है, 1 2 3, तो यहां पर आपके पास 3 जीरो आ रहे हैं। आप कभी भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करें तो उसके लास्ट में एटलीस्ट 3 जीरो आती है, या आप किसी और नंबर का क्यूब करेंगे सपोज 100 का करेंगे तो इसमें 6 जीरो आएंगे। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा, क्यूब नंबर नहीं होगा जिसके लास्ट में 2 जीरो आए, ये भी मैंने प्रॉपर्टी में मेंशन कर दिया था। तो ये पार्ट आपका ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आपसे कहा गया इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25, ये बिल्कुल ट्रू क्वेश्चन है, इसमें आप ट्रू लिख लीजिए। आप देखिए हमें कैसे याद रहता है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, अगर आप भूल जाते हैं पेपर के समय में, आप भूल जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, एक एग्जाम्पल लेना होता है। एग्जाम्पल आप लेकर के उस क्वेश्चन को देख सकते हैं ट्रू था या फॉल्स था। जैसे आपसे कहा गया अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 पर एंड होता है, सपोज मैंने एक नंबर लिया है और नंबर लिया है 5, मैंने इसका स्क्वायर किया है आया है 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है आप सबको पता है। अब 25 अब लेकिन मैं 5 का क्यूब करता हूं तो कितना आता है, 5 का क्यूब करने पर आता है 5 × 5 × 5, इट मींस 125। मैंने देखा कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर वो 5 पर एंड होता है, इट इज एंड हो रहा है 5 पर, तो इसका क्यूब करने पर ये 25 पर एंड होता है, बिल्कुल करेक्ट ना करेक्ट है ये, और इसलिए इसका आंसर ट्रू है। आप एग्जांपल लेके करेंगे तो बहुत ही अच्छी क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपसे कहा गया देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड विद 8। नेक्स्ट पार्ट में आपसे जो कहा गया फोर्थ पार्ट में कि कोई भी क्यूब नंबर 8 पर एंड नहीं होता, ये एकदम गलत है, ये फॉल्स है। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि मैंने आपको एक बात और बताई थी जो आपको याद होनी चाहिए। मैंने बताया था आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, मैंने बताया था 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो 2 का क्यूब कितना बताया था मैंने आपको, आप करके भी देख सकते हैं, 2 का क्यूब होता है 8, 2 × 2 = 4 × 2 = 8। तो इन्होंने तो कहा कि किसी का क्यूब करे तो 8 पर एंड नहीं हो सकता, डेफिनेटली 8 पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया फॉल्स, जो बहुत ही क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 12 का क्यूब आप करके देखिएगा, 12 का क्यूब अगर हम करते हैं तो इसका आता है आंसर 1728, ये भी 8 पर एंड हो रहा है। तो इट मींस इन्होंने जो कहा है डज नॉट एंड विद 8, तो ये फॉल्स हो गया, ये क्वेश्चन आपका फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट, आपसे कहा गया द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। आपसे कहा गया जब किसी आप 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हैं तो उसमें जो क्यूब होके आता है उसका वो 3 डिजिट में भी हो सकता है। अब देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है,
टू डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10। आप 10 का जब क्यूब करते हैं तो करके देखिए कितना आता है। 10 का क्यूब करेंगे तो आएगा 10 × 10 × 10, और 10 का मल्टीप्लाई 10 का क्यूब 3 टाइम्स करते हैं तो मैंने बताया आपको 1 × 1 × 1 × 1 और 3 जीरोस और लग जाती है। अब 3 जीरोस लग जाती है इसका मतलब इसका आंसर आया 1000। अब 1000 में कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4। मतलब हम स्मॉलेस्ट नंबर टू डिजिट नंबर का क्यूब कर रहे हैं तब हमारे पास 4 डिजिट आ रही है। तो इसका मतलब और किसी नंबर का क्यूब करके देखेंगे तो डेफिनेटली 4 आएंगी, हो सकता है 5 भी आ जाए, तो एटलीस्ट 4 आ रही है, तो 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर में भी आंसर आ सकता है, तो ये फॉल्स हो गया। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसका 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में आपसे कहा गया द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। आपसे कहा गया अगर हम किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका जो क्यूब होके आएगा वो 6 डिजिट या सॉरी 7 और मोर डिजिट में हो सकता है, मतलब 7 डिजिट भी आ सकती है और उससे ज्यादा भी आ सकती है। तो देखिए यहां पर 2 डिजिट का क्यूब करने पर कितना आना चाहिए? 7 और मोर डिजिट। तो चेक करते हैं क्या पॉसिबल है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो होता है 99। 2 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है? 99, क्योंकि 99 के बाद फिर 100 स्टार्ट हो जाता है, वो 3 डिजिट नंबर हो जाता है। यहाँ पर 2 डिजिट की बात कर रहे हैं तो 2 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर 99, और 99 का आप क्यूब करते हैं तो आप करके देखेगा, ये मैं यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ। 99 का क्यूब करेंगे तो आपके पास आएगा 970299। कितना आएगा आपके पास? 970299। आप करके देख लीजिएगा 99 का क्यूब यही आता है। और देखिए जहां पर आप देखेंगे इसके डिजिट्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें डिजिट कितने आ रहे हैं? 6। आपसे कहा गया 7 से और ज्यादा से आना चाहिए, ज्यादा आने चाहिए, तो यहां पर ये आपका क्वेश्चन फॉल्स हो गया है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद है 7th पार्ट। आपसे कहा गया था क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। किसी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट नंबर भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हमें पता है 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। तो डेफिनेटली अगर हम किसी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करते हैं तो सिंगल डिजिट नंबर भी आ सकता है, ये ट्रू है। तो आपके क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, 3rd। लास्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, और मैं समझता हूं ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया होगा, आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से की होगी। लेकिन इस लास्ट क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि जो बच्चे इस वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं उनको शायद ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में नहीं आएंगे, और मैं समझता हूं अगर किसी ने इन वीडियोस को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं हो सकता जो समझ में ना आए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कोई प्रॉपर्टीज यूज नहीं हो रही है, सिंगल डिवाइड हो रहा है। आप देख रहे हैं जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सभी को आना चाहिए, आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 8th क्लास में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। सपोज मैं आप एक जनरल आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। आप अगर सपोज कीजिए एक मूवी देखने जा रहे हैं और मूवी में जब आप पहुंचते हैं मूवी 1 घंटा 1.5 घंटा निकल चुकी होती है और फिर आप मूवी देखना स्टार्ट करते हैं तो क्या वो आपको समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी, कि तो पढ़ाई है, वो तो मूवी है, वो तब भी समझ में नहीं आती, ये तो पढ़ाई है, ये कैसे समझ में आ जाएगी? तो इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, क्लियरिटी से देखें, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। देखिए वीडियो को खाली देखने से भी काम नहीं चलेगा, उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करें? पेन पेपर की अपने पास लेके बैठें, जो क्वेश्चन मैंने कराया नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करें, फिर चेक करें क्या सही है क्या नहीं है, तो फिर आपको डेफिनेटली एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन आ जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन, और हम इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपके पास दिया हुआ यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। आपसे कहा गया है 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज ए क्यूब रूट? इसका क्यूब रूट क्या है आपको फाइंड करना है, लेकिन इसमें एक इन्होंने कंडीशन भी लगा दी है, यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन। आपको विदाउट फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सभी का हम फैक्टराइजेशन करते थे, और फैक्टराइजेशन करने पर जिसके ट्रिपलेट बन जाते थे उसका हम क्यूब रूट फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहां पर आपसे कहा गया आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना,
देखिए मैं इसको मैजिक रूल भी कहते हैं इसको, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके एक और नाम भी है। एक तो हम गैस करके बताते हैं कि कौन सा इसके क्यूब रूट क्या हो सकता है, हम इसका मैजिक रूल भी हम इसका नाम बोलते हैं। तो देखिए इसके लिए हमारे पास कुछ प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपके पास भेजा था, जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया। आपको 1 से 10 तक के सारे क्यूब रूट क्यूब फाइंड होना आना चाहिए कि 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, सब आपको पता होना चाहिए, ओनली 10 का। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि इससे ज्यादा क्या आपको याद करना है, और इसके अलावा 10 का क्यूब, 20, 30, 40 का क्यूब ये आने चाहिए बस। इसके बाद आप ये आप विदाउट फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। और आप देखेंगे यहां पर जो हम क्वेश्चन को इतना बड़ा कर देते हैं, पूरे पेज पर आ जाता था, वो हम केवल और केवल बहुत ही फास्ट मेथड से इसको फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 1331, ये नंबर है 1331, और हम इसका क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि 1331 सबसे पहले 10 के क्यूब और 20 के क्यूब के बीच में आ रहा है क्या, या 20 और 30 के बीच में आ रहा है क्या, 30 या 40 के बीच में आ रहा है, यह हमें देखना पड़ेगा। तो हमने देखा यहां पर ये जो 1331 मतलब 1331 है, ये कहां पर आ रहा है, हमने देखा ये 10 और 20 के बीच में आ रहा है। आप देखेंगे 1000 और 8000 के बीच में ये नंबर आता है, कहां तक 1000 एंड 8000 के बीच का नंबर है, तो ये 1000 से बड़ा है और 8000 से छोटा है। तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 10 का क्यूब, और यहां लिखना पड़ेगा 20 का क्यूब, और यहां आप ग्रेटर का साइन लगाएंगे। यहां पर आपको दोबारा से देखना है इसको क्या करना है, हमने पहले नंबर लिखा 1331 जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें देखना है सबसे पहले 1331 किसके बीच में नंबर आता है। ये हमने कहा 10 और 20 के बीच में आता है। अब 10 और 20 के बीच में आता है, ठीक है, इसका मतलब ये 10 से तो बड़ा है और 20 से छोटा है, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसका लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है 1। अब 1 हमारे कहां आती है, 1 हमारे कहां पर आती है, 1 केवल 1 के प्लेस पर ही आती है, मतलब हमें ऐसा नंबर लेना है 10 से बड़ा हो, वो 10 से बड़ा हो और उसके लास्ट में 1 भी आता हो। तो 1 तो केवल 1 के क्यूब में ही आता है, 1 कहीं कंफ्यूजन नहीं है, 1 किसके क्यूब में आता है, 1 तो 1 के क्यूब में आता है, इसका मतलब वो नंबर होना चाहिए 10 + 1 = 11। ये जो है आपका 11 का क्यूब है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आपका 11 का क्यूब है। अगर आप इसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 1331 = 11, यहां पर आप लिख दीजिए, एक मिनट, यहां लिखिए आप 11, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया है, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, आपसे कहा गया सिमिलरली गैस का क्यूब रूट ऑफ 4913। अब आपके पास एक नंबर दे दिया है 4913, तो मैंने वो नंबर लिख लिया है 4913, और आपको इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है और विदाउट फैक्टराइजेशन करना है, ये आपके पास कहा गया है। तो आपने देखा 4913 ये भी 10 और 20 के बीच का नंबर है, 10 का क्यूब और 20 का क्यूब, देखिए 10 का क्यूब और 20 के क्यूब, क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000, 20 का क्यूब होता है 8000, तो 1000 और 8000 के बीच में ही तो नंबर आता होगा 4913। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा, ये जो 4913 है ये 10 के क्यूब से बड़ा नंबर है, और जो 4913 है ये 20 के क्यूब से छोटा नंबर है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, हो सकता है आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतना क्लियर ना हो, सेकंड से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। इट मींस कि ये जो आपका क्यूब नंबर है ये नंबर 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है। लेकिन अब हम देखते हैं इसके लास्ट में क्या रखा हुआ है, लास्ट में कौन सी डिजिट है, लास्ट में देखा तो इसकी डिजिट आ रही है 3, और आप देखेंगे क्योंकि आपको 1 से 10 तक के सारे नंबर आने चाहिए, तो यहां पर 3 किसके लास्ट में आता है, आप देखेंगे 3 जिसके लास्ट में आता है वो नंबर है 7। इट मींस मैंने बताया 10 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, तो इसका क्यूब रूट आ गया 17। ये बहुत इजी मेथड है, लेकिन मैंने बताया उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको ये दोनों टेबल 1 से लेकर 10 तक और 10, 20, 30, 40 ये आपको लर्न होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। तो आपने देखा कि हमारे पास जो नंबर है 4913
ये 17 का क्यूब है। और देखिए फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, आप मैसेज कीजिएगा मुझे। इसके बाद मैंने देखा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमारे पास दिया है 12167, हमारे पास एक नंबर दिया है 12167। ये देखिए आपके पास नंबर जो है उस वो पूरा क्या है 12167, 12167 आप देखेंगे 8000 और 27000 के बीच का नंबर है। 20 का क्यूब क्या होता है 8000, 30 का क्यूब क्या होता है 27000। तो ये नंबर इन दोनों के बीच में तो है नहीं क्योंकि 8000 से बड़ा नंबर है, तो इट मींस ये नंबर किसके बीच का है 20 और 30। तो यहां पर मैंने रखा 20 का क्यूब, यहां रखा मैंने 30 का क्यूब, और यहां पर मैंने 20 के क्यूब से बड़ा है और 30 के क्यूब से छोटा है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये जो नंबर दिया है 12167 ये हमें क्लियर हो चुका है कि ये 20 के क्यूब से बड़ा नंबर है और 30 के क्यूब से छोटा नंबर है। तो इसका मतलब ये नंबर 20 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है अब देखते हैं। इसके लास्ट में क्या डिजिट आ रही है 7, और 7 किसके लास्ट में आता है, यहां चेक करते हैं 7 किसके लास्ट में आता है, 7 तो 3 के क्यूब में आता है। तो इसका मतलब हमारे पास 20+3 ये आ गया 23। तो हमारे पास इसका क्यूब रूट, देखिए क्यूब रूट हम कितना लेंथी मेथड से फाइंड कर रहे थे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था वो तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, बट ये मेथड मैजिक रूल भी आना चाहिए, दोनों मेथड आने चाहिए। तो ये हमारा 23 का क्यूब है, तो ये इसका आंसर हो गया। यहां पर मैं ये जो आंसर आ रहे हैं यही इसके आंसर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, आपके पास दिया है एक नंबर है 32768। तो ये जो नंबर है ये कैसे हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, तो आप देखिए किनके बीच में आ रहा है, ये 10-20 के बीच में आ रहा है, या 20-30 के क्यूब के बीच में आ रहा है, या 30-40 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो बहुत क्लियर है, हमारे पास नंबर है 32768, तो 30 का क्यूब होता है 27000, 40 का क्यूब होता है 64000। इट मींस ये नंबर 30 के क्यूब और 40 के क्यूब के बीच में आ रहा है। ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी, और अब मैं समझता हूं कि सबको ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 30 का क्यूब और 40 के क्यूब के बीच का ये नंबर है, इसका मतलब ये नंबर 30 से ग्रेटर है और 40 से स्मॉलर है, इसका जो क्यूब रूट आएगा वो 30 से ग्रेटर है और 40 से स्मॉलर है। तो कितना स्मॉलर है उसको कैसे पता लगाते हैं, उसको पता लगाने के लिए हमें पूरे नंबर को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें केवल उसकी लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट क्या है 8, और 8 किसके लास्ट में आता है, 8 तो आता है 2 के लास्ट में, इट मींस ये नंबर है 32। तो देखिए कितना फास्ट है, और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे 1 मिनट से कम समय में भी फाइंड कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ फाइंड कर सकते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर यहां कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।